ऑलमोस्ट 1 करोड़ एक एमएसएमई को मिल सकते हैं अगर सही मायने में ये इस्तेमाल करे तो, और सही तरह से बिजनेस करे तो। दो चीज़ होती है, अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो यू मस्ट डू द बिजनेस इन राइट वे। मैं हमेशा पूछता हूँ कि वाई चाइना इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, वाई इंडिया इज नॉट? डू हैव एनी आंसर टू दिस? चाइना बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा है कि चाइना प्रोडक्शन ज़्यादा है, चाइना में सस्ता माल बनता है? नहीं, वो हमारा माइंडसेट नहीं कि चाइना में गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाए टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस एंड दे हैव यूज इट राइटली फ्रॉम मैनी ईयर्स। 2006 हार्डली कुछ 15-20 साल पहले की बात है, बट दे हैव डन इट वेरी वेरी अर्ली। सो गवर्नमेंट का फोकस क्या है टू बाय सपोर्टिंग एमएसएमई इज ऑफ डूइंग बिजनेस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि आज की डेट में सिडबी द वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच सपोर्ट्स एमएसएमई, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंक्स को जो नेशनलाइज बैंक में रूल्स है कि दे हैव टू सपोर्ट एमएसएमई कम वॉट में, और उसके सारे गाइडलाइंस बनाए हुए हैं। तो वहाँ पर आपको तकलीफ गवर्नमेंट के जो रूल्स की कम होगी और जल्दी से काम होना चाहिए, उनका मोटिव है। तो अब जब नए प्रोग्राम्स आए जुलाई 2020 में, जब कोविड के बाद में काफ़ी सारे चेंजेस उन्होंने वो 2006 वाले एक्ट में किए थे, उसमें इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज कर दी। आई होप सम ऑफ यू नोज द डेफिनेशन ऑफ एमएसई पर्टिकुलर आफ्टर 2020, आई विल कम टू दैट। और टर्नओवर के क्राइटेरिया ऐड किए, डिफरेंस निकाल दिया मैन्युफैक्चर और सर्विस में। एक मैन्युफैक्चरिंग होता है आपका रिटेल का शोरूम में, फिर भी आप एमएसएमई रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। इम्प्रेशन पहले से खाली मैन्युफैक्चरिंग नहीं, वो नहीं है। इफ़ यू आर गोइंग सर्विस ऑल्सो यू कैन बी एन एमएसएमई। सो दिस इज द सीन। पहले जो ऊपर में लिखा है माइक्रो स्मॉल और मीडियम की डेफिनेशन पहले थी, बिफोर 2020 वॉज इन्वेस्टमेंट लेस देन 25 लाख इन मशीनरीज, इन प्लांट एंड मशीनरी। स्मॉल के लिए 5 करोड़ के नीचे और मीडियम के लिए 10 करोड़, ठीक है। और सर्विस के लिए वही चीज़ नीचे, आप 10 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ की थी। तो 2020 ने सब कोविड के बाद सोचा गवर्नमेंट में कि हाउ डू वी सपोर्ट एमएसएमई, बिकॉज वो बैकबोन है अपनी इंडस्ट्री के, उनको कैसे। तो दे चेंज द होल डेफिनेशन। सो माइक्रो जो आता है सबसे छोटा, इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 1 करोड़ और टर्नओवर ऑफ 5 करोड़ रुपीज। अगर आपने 5 करोड़ का टर्नओवर करना है और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे लगाया तो आप माइक्रो में आ सकते हो। स्मॉल का इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर रुपीज 50 करोड़, और मीडियम इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ 250 करोड़। अब यहाँ हम बैठते हैं, हम लोग ये दोनों जगह बैठ रहे हैं, 10 करोड़ और 50 करोड़, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस ऑफ वॉल्यूम। तो इतनी वी आर एलिजिबल एमएसएमईज उद्यम लेने के बाद में। चेंजेस में आप समझ सकते हैं कि 10,000 + 40,000 करोड़ का मदर ऑफ फंड फॉर इक्विटी है उनके पास, दे विलिंग टू गिव टू पीपल हु आर एलिजिबल फॉर इट। ट्रेड्स एन इंटरेस्टिंग सपोर्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज कॉल्ड बिजनेस डिस्काउंटिंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एनी कंपनी हैविंग टर्नओवर अबाउट अराउंड 500 करोड़ रुपीज, सो वेन एवर द रेज द बिल सेल और सर्विस बिल फॉर द पार्टी, they have to upload on a portal called Trades. At the same time, the buyer will confirm the payment, the bill, on the platform. It's a compulsory, it's a rule for them. They cannot evade it, right? So, when this both the process are completed by the buyer-seller, any bank or any institution will come and discount your bill at very negligible rate of interest. सपोज आपने कोई एक्स ज्वेलर को माल दिया है, फॉर एग्जाम्पल 90 डेज क्रेडिट से, एंड दिस अवेलेबल ऑन द पोर्टल, यू एंड द बायर शुड कन्फर्म ऑन पोर्टल। यू कैन गो टू एनी बैंक इजीली, नो बैंक विल आस्क यू क्वेश्चन, क्योंकि दोनों जन कन्फर्म कर रहे हैं। तो दिस इज वंडरफुल, नो बहुत अच्छी चीज़ ऐसी है। इसमें यू गेट बेनिफिट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग विदाउट गोइंग टू बैंक, जस्ट गवर्नमेंट इज कन्फर्मिंग ये बिल देना है, बिल देना है। अब जेम पोर्टल है, that's for e-marketplace, that's called government e-marketplace. 25% government of, जैसे मैंने पहले बताया, तो ये 25% की requirement government जब आप raise करती है आपसे, अब after 2020, sure, they will pay you, the bank will pay you, deserving their interest, or they will collect from the buyer.
the bank will pay you on behalf of a buyer, and the buyer will pay the bank. Achha, they will, 90 days payment, you can get it 10 days or 20 days or 15 days based on the condition. But this is monitored by Government of India on the portal. So there is no chance of any cheating. Means the bank will pay immediately within 2 or 3 yes, days. Yes, deducting the discount. And the purchaser will pay to the bank directly. Yes, exactly. Okay. Yeah. So bill discounting is easier way to explain. The retailer will pay in how many days? Okay. As per your credit terms. Okay. As per the credit. Yeah. The purpose here is the manufacturer should not suffer because of his fund holding inventories blockage in credits. Yes, sir. MSME में आने के लिए अपने को न्यू मशीनरी लेना अनिवार्य है? नहीं, मशीनरी लेना अनिवार्य नहीं. सबसे पहले मैंने, इफ यू गो बैक टू द स्लाइड, हाँ ये देखिए, माइक्रो में लिखा है बंद इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर. अच्छा, इन्वेस्टमेंट और आपका कैपिटल, आपका फर्नीचर भी इन्वेस्टमेंट है. रिटेल वाला कहाँ से मशीन लाएगा? हाँ हाँ, वही मेरा. तो उसके लिए तो कैरेटर मीटर होगा मैक्सिमम और फर्नीचर होगा, तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट. सो ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए. टू उद्यम तो होना चाहिए, सर्टिफिकेट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. अब जैसे नीलेश भाई ने बताया, आई एम टॉकिंग अबाउट 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं. वी वर इन अ बिग MSME सेमिनार इन दिल्ली. गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया था हमें वहाँ पे, तभी अपने गडकरी जी से, MSME मिनिस्टर से. तो हमने गडकरी जी को पूछा था कि भाई हम तो ज्वेलर है और MSME पोर्टल में आप रजिस्टर करते हो जब उद्यम में, तो वहाँ हम आते अदर्स कैटेगरी में. हैव यू नोटिस दैट व्हेन यू फाइंड आउट द कैटेगरी अंडर विच कैटेगरी यू आर वर्किंग, तो वी कम अंडर अदर्स. तो मेंशन सर, वी आर अ वेरी बिग इंडस्ट्री, आपको हम रेवेन्यू देते हैं एक्सपोर्ट्स का, तो वी कैन नॉट कम अंडर अदर्स. प्रॉब्ली दे विल रेक्टिफाई दैट, क्योंकि ज्वेलर है आज इंडिया को हाईएस्ट रेवेन्यू, तो हम लोग दे रहे हैं एक्सपोर्ट में या कहीं भी, राइट. सो we had that courage to ask Mr. Gadkari on a common platform that sir, we are jewelers and we must get our identification on a portal. तो वहाँ से हमने शुरुआत की थी, ठीक है. तो ये दूसरी बात मैंने बताया, जेम पोर्टल है जहाँ पर गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो देखिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट तो 25% की नीड है उनको, और आज 38% प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट इज डूइंग फ्रॉम दिस पोर्टल. मतलब अगेंस्ट 25 they added 13 more percentage to source from the MSMEs. अब मैं जब बता रहा हूँ जो नए प्रोग्राम में क्या क्या है, सबसे पहले collateral free loan up to 5 crore based on a turnover. ये CGTMSE कहते हैं उसको. अब ये लोन है आपकी बैंक को, सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस करती है इसका. सपोज यू फेल टू पे, द बैंक विल गेट दिस मनी. द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज बिटवीन 9 to 11% बेस्ड ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर एनम. अब ये लोन के लिए आपको कुछ देना नहीं है, आपका जो टर्नओवर है उसके 20% है आपका नेट प्रॉफिट का, 20% अप टू 5 crore यू कैन गेट विदाउट गिविंग एनी कॉलेटरल. ये शायद किसी को पता ही नहीं हमें से. अब काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स है यहाँ पे, जिनको मशीन के लिए कुछ चाहिए, किनको वर्किंग कैपिटल के पैसा चाहिए, तो वो पैसा हम यहाँ से जनरेट कर पाते बेस्ड ऑन आवर बुक डेट्स. जो आपकी बुक्स अच्छी होगी आपको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, राइट. सो अगर 9 से 11% दे बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस. नहीं, आप GML लेते हो उसके लिए, आप GML लेते हो उसके लिए आपको ज़्यादा लग रहा है. आप GML देखिए, एक पता नहीं है कहना चाहिए यहाँ पे, लाइक ज्वेलर का एक माइंड, मैन्युफैक्चरर का माइंड सेट होता है. सी व्हेन यू आर अ मैन्युफैक्चरर, यूर माइंड सेट के यार 100 ग्राम बेच दो, 6 पेटी आ जाएगी, हाँ क्यों बैंक में जाए. आपकी वर्गी साल का है, आपको 9% प्लस महीने का 75% ब्याज हो गया. आप तो दो बार तो टर्नओवर अपना करेंगे, इन्वेंटरी का नहीं करेंगे. ये सोच है, यहाँ तो यहाँ रुकते हैं हम लोग. मैंने क्या बताया आपको, आपके कैपिटल क्या चाहिए, आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल. आपकी कैपिटल, आपका इन्वेंटरी क्यों कम करते हो, बिकॉज वर्किंग, बिकॉज यू विल रिड्यूस योर गोल्ड इन्वेंटरी फॉर वर्किंग कैपिटल विच इज गोइंग टू गिव यू मोर इन वे प्रॉफिट. वही अगर आपने 1 करोड़ का, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में 1.5 किलो सोना आएगा, तो आपने बिजनेस में लगाया तो आपको कितना पैसा मिलेगा, और आपका जो 2 करोड़ लिक्विड यहाँ से मिलता है, आप यूज करो आपके और खर्चे के लिए, उनको टाइमली पेमेंट करो. दिस विल सेव योर कॉस्ट. सर मैंने एक खुद ने अनुभव किया हुआ है, और मैं MSME से पैसे तो कम ही ले रहा हूँ गवर्नमेंट से, बिकॉज लकीली वी आर इन सेफ हैंड्स.
But those who really want to start the business, those who really want to come up in business faster, it's very easy to get this money. जो मिड साइज बिजनेस है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग है बट दे आर क्योंकि अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की नीड इज बिटवीन अगर एक मिड साइज फैक्ट्री जो 25-30 किलो बनाती है 50 किलो महीने का बनाती है इसके नीड इज अराउंड 50 लाख रुपये. तो 50 लाख रुपये आपको रोटेशन के लिए मिल रहे हैं विदाउट गिविंग एनी कोलैटरल. आप समझिए एक छोटी 25-50 किलो की फैक्ट्री बात कर रहा हूँ मैं. एक शोरूम वाले के मैक्सिमम महीने का 8-10 लाख रुपये खर्चा होता है 1000 स्क्वायर फीट शॉप विद इन्वेंट्री ऑफ 20 kg. तो यू कैन मैनेज दिस मनी और वो तो पैसा खर्चा के तो इंटरेस्ट भरना है बाकी नहीं भरना है. ओडी अकाउंट होता है सीसी अकाउंट होता है. अब ये पीएम विश्वकर्मा योजना फॉर कारीगर्स अभी अभी एक आगे बताया किसी मेरे पास 200-250 जन का स्टाफ है अभी ये आई थिंक तो राका ज्वेलर्स राइट. हम स्टाफ को घर खाना रोटी वगैरह दिस वेरी गुड जेस्चर करना चाहिए. अगर मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ जनरल जिसके पास 100 कारीगर है अगर 100 कारीगर ने आपसे 2-2 लाख रुपये एडवांस मांगा आर इन पोजिशन टू गिव द 2 लाख रुपीज टू 100 कारीगर्स एट अ टाइम. नहीं ना 3 किलो सोना कम हो जाएगा. देखिए मैं ये सोना कम करने मैं रिपीटेडली बोलूंगा डोंट गेट एम्बेरेस विद दैट बिकॉज हम लोग सोना ही कम करते हैं क्योंकि कमाते सोने में बेचते भी सोना ही है. तो मेंटालिटी बदलनी है बिकॉज फाइनली बिजनेस गोज ओनली इन टू द कैश टर्न ओवर वॉट एवर प्राइस ऑफ गोल्ड इज राइट. सो ये है कि कारीगर की ये विश्वकर्मा योजना में ऐसा है कि 2 लाख प्लम्बर फिटर पेंटर जो भी कारपेंटर जो भी रहे कारीगर होना चाहिए. गवर्नमेंट इसकी 2 लाख रुपये उसको देती अनसिक्योर्ड लोन देती है अंडर MSME. आई शुड बी अंडर MSME तो मेरे कारीगर को मिलेगा. अब 2 लाख उसके लिए बहुत बड़ी रकम है चाहे उसकी बेटी की शादी कर ले या अपने आप को अपग्रेड कर दे अपनी सिस्टम्स बढ़िया बनाए अपने टूलिंग अच्छे ले अपने लिए टेबल अच्छा बना ले चाहे कुछ भी. और वो कारीगर ये 2 लाख रुपये ऑन टाइम देता है उनको विद इन टाइम फ्रेम उसको नेक्स्ट लोन विल बी डबल. उसने वो टाइम पे दे दिया उसकी नेक्स्ट लोन भी डबल. ही कैन गो अप टू 10 लाख रुपीज ही शुड पे ऑन टाइम. अब समझे कारीगर को एक फ्री फॉर एक अच्छा पैसा मिल रहा है जो ऑन टाइम EMI भर रहा है सस्ते इंटरेस्ट के साथ में. वो अपनी लाइफ अच्छी बना लेगा. हम बोल सकते हैं उसको भाई यू यूज फॉर अ फैक्ट्री इंप्रूवमेंट आपका प्रोडक्शन पर यूज करो थोड़े फैमिली पे खर्चा करो. बट इफ यू अर्निंग इनफ दिस इज अ ग्रेट हेल्प मी बिकॉज हम लोग नहीं दे पाएंगे 2 लाख से 10 लाख रुपये जबकि गवर्नमेंट दे रही है. दिस इज यू विल गेट फ्रॉम एनी बैंक और सम पर्टिकुलर या एनी बैंक एंड सम एजेंसीज SIDBI मेनली SIDBI एंड बैंक्स ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक. स्टेट बैंक इज वेरी वेरी गुड इनटू दैट स्टेट बैंक या आई मीन ऑल द नेशनलाइज्ड बैंक. सो यस आई मीन देखिए फंड सब्सिडी की बात जब कर रहा हूँ तो मैं नीलेश भाई से गुजारिश करूंगा कि कहीं ना कहीं बॉम्बे के बैंक्स में कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बनाओ कि सब लोग नीरव मोदी है. वो काउंसिल का ही रोल है जो यहाँ इसको डायल्यूट करना है बिकॉज एवरी ज्वेलर इज अ वेरी गुड ज्वेलर इट्स अ बिग फ्रेटर्निटी. तो बॉम्बे के बैंक्स में बहुत सारा मतलब ना बोल देते बोल नहीं ज्वेलर्स को हम पैसे देते नहीं है बट वी हैव टू प्रूव दैट वी आर नॉट ज्वेलर्स वी आर मैन्युफैक्चरर्स. नो दैट इज वी आर ऑन द पाइप काउंसिल का काम है. मैंने मेरी ओर से आप ये रखा क्वेश्चन क्योंकि ये सब गवर्नमेंट नहीं बोला है बैंक के मैनेजर डरते हैं. इट इज द मैनेजर ऑफ द बैंक व्हिच स्केयर्ड एंड द RM ऑफ द बैंक व्हिच इज स्केयर्ड कि यार मैं दूंगा तो बस सोना है. फॉर द सेम थिंग वी आर हैविंग बैंकिंग सेमिनार वेरी सून रिगार्डिंग दिस ओनली. सर मुझे बुला ना मैं उनको रेज माय क्वेरीज डेफिनेटली. यू आर द मेंबर यू विल गेट दैट इनविटेशन. सो ये 200 आइटम डिफेंस सेक्टर देखिए इंडिया का सबसे बड़ा आज डिफेंस सेक्टर जो इंडिया का बहुत ही बड़ा है ये भले हमसे लेना देना नहीं है फिर बता रहा हूँ नॉलेज के लिए. 200 आइटम ऐसे डिफेंस सेक्टर में जो हम लोग इम्पोर्ट नहीं कर सकते हमको इंडिया में बना करके यूज करनी है मिलिट्री में एयरफोर्स में कहीं भी. तो ये देखिए कितनी बड़ी दुकान खोल कर रखी गवर्नमेंट ने कि आप अपने आप को इतना अपलिफ्ट करो कि आप डिफेंस में भी सप्लाई कर सकते हो और हमारे से पैसा लेकर के हमको वापस दो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेस पेमेंट 43B. अभी ये सेक्शन पे एक क्लास में स्लाइड रखी है बट ये अच्छी चीज़ है. हम लोग गलत रहे कि हमको आदत है ना वो कल आ जाए यार ऐसे शॉप पे से इशारा कर देते हैं टुमारो. कितने लोग ने फेस किया होगा देखो बस काउंटर से वो गेट पे चाहे अरे यार मेरा 6 किलो लगा है बॉस. हाँ जी नहीं 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 वो माइंडसेट है. यहाँ पे मैंने बताया ना
नहीं आप सिडबी को अप्रोच करिए फिर, सॉरी कमलेश सिडबी गाइस लेट्स हैव डिस्कशन ऑन एमएसएमई, क्या कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, क्या इश्यू आ रहा है, वो एमएसएमई के रिलेट करते हैं। कमलेश भाई बिलोंग्स टू एमएसएमई, ही इज नॉट अ बैंकर, नॉट अ बैंकर, आई कैन आई कैन बी जस्ट गाइड, लेट्स डिस्कस ऑन एमएसएमई प्लीज। सो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट इज अ वेरी गुड थिंग, आप समझो मेरी बात, क्योंकि हमको जो देखिए पेमेंट साइकिल रेगुलर बहुत ज़रूरी है, चाहे लेबर चार्जेस का हो, चाहे गोल्ड का हो, एनी पेमेंट को उसी पे हम हमारे सिस्टम चलाते हैं सारे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है या अपना वर्किंग कैपिटल होता है। अगर सब लोगों ने विद इन 45 अज्यूम कर, लेट्स क्लोज योर एंड जस्ट थिंक के सब पूरा इंडिया 45 डेज में पेमेंट कर रहा है सबको, तो जीना कितना आसान हो जाएगा, अज्यूम तो कर सकते हैं। तो ये डर पैदा हुआ है स्पेशली अपनी मार्केट में कि भाई कल को किसका ये हो गया तो वो, बट देखिए कहीं ना कहीं GST आया तो बहुत हमने बहुत रोए, 500 के नोट 1000 के नोट बंद हम लोग बहुत रोए, आज तो जेब में लेके घूम रहे हैं ना। तो दिस इज अ चेंज वी मस्ट एक्सेप्ट एज एन MSME, ये चेंज नहीं होगा ना तो आगे वैसे ही चलता रहेगा। और ये क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स में सब्सिडी मिलती है 15% की, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब लगता है बड़ा मशीनरी का या कोई भी बड़ा, तो गवर्नमेंट स्पेशल केसेस में बड़ी अच्छी गुड साइज फैक्ट्रीज को, नॉट अ बिगर साइज गुड साइज फैक्ट्रीज को 15% पैसा इंटरेस्ट सबमिशन करके वापस देती है, तो जो आपका 9% का क्वेश्चन था घट के नीचे आ जाए, ओवर कैपिटल आपको वापस दे रही है। ठीक, इंटरेस्ट रेट लोअर ऑब्वियसली कि मार्केट में लोग, हाँ लागू हो गया। अभी देखिए यहाँ पे बेनिफिट्स और मैं समझा रहा हूँ, अभी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो इंडिया में ISO फॉर एग्जांपल, अभी ISO सर्टिफाइड अगर कराते हो तो गवर्नमेंट उसकी जो कॉस्ट लगती है उसमें भी पैसे आपको वापस देती है, आपने सर्टिफिकेशन कराया मतलब जेन्यून करवाया तो आपको उसका कुछ पैसा गवर्नमेंट रिफंड करेगी, आपने जो भी फीस भरी है उसका। जो ग्रामीण एरिया में तो इलेक्ट्रिक बिल पर भी सब्सिडीज है, सपोज आप प्लांट लगाते हो कैसे एरिया में वहाँ पर यू गेट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको पैसा गवर्नमेंट देती है। 50% सब्सिडी ऑन ट्रेडमार्क एंड पैटर्न रजिस्ट्रेशन, ये अपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी चीज़ है, एनी बडी वुड लव टू हैव देयर पैटर्न रजिस्टर्ड एंड हैव द प्रोडक्ट एट ट्रेडमार्क और काफ़ी सारे। तो अगर आप ऑफिशियली ठीक से अप्रोच करते हैं तो इसके जो कॉस्ट है उसमें 50% कॉस्ट गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है। और वी हैव केसेस, मैंने कुछ ऐसी चीज़ यूज़ की है मेरे अपने केस में भी, स्पेशल कंसिडरेशन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, अभी यहाँ स्टॉल जिन्होंने लगाया है ना दे कैन गेट द स्टॉल फीस वेवर 1 time इन ईयर, मतलब गवर्नमेंट आप यहाँ स्टॉल लगाओ जो भी इनकी फीस है गवर्नमेंट विल गिव यू बैक। और अगर फॉरेन में ट्रेड शो में जाना चाहते हो तो स्टॉल फीस प्लस 2% का ट्रैवल प्लस 2% होटल स्टे फ्री 1 time in a year, गवर्नमेंट विल रिप्लेस गिव द मनी बैक विथ ऑफिशियल बिल्स एंड ऑल, मतलब आप बिजनेस एक्सपांड करने के लिए फॉरेन भी जा सकते हो विद गवर्नमेंट्स मनी, देर इज नो कैप ऑन इट, क्योंकि सारी स्टॉल की फीस ऑफिशियल है आपको भरनी है, आपका एयरफेयर फिक्स है, आपका होटल से फिक्स है, सो दैट टोटल पैकेज इज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, यू हैव टू पे फर्स्ट एंड देन क्लेम इट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और लास्ट ईयर GJAPC ने दिलवाया था काफ़ी MSMEs दो स्टॉल से अपने वहाँ पे, दे गॉट रिफंड ऑफ द मनी आफ्टर अराउंड 1.5 years, बट शुरू तो हुआ ने, वो अपने अपने रीजंस हैं, वी विल नॉट गोइंग टू दैट, बट है। और हमारी इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी सब इंडस्ट्री को मिल रहा है, ऑन टाइम मिल रहा है, उसके भी आई विल शो यू द वे हाउ। और स्पेशली वुमन एंटरप्रेन्योर्स के बहुत सारी स्कीम है जो हमको एज अ मेन मिलते हैं, वुमन को 1.5% सब 1.5 गुना ज़्यादा मिलता है हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं पर। तो अगर आपकी कोई कंपनी है चल रही, एक नई कंपनी खोल दो इन नेम ऑफ वाइफ और डॉटर और वट एवर आई मीन, और देन यू हैव यू स्टार्ट वर्किंग इन दैट कंपनी, यूज द बेनिफिट MSMEs, और देन यू कैन ऑलवेज फाइनली, तो घर की कंपनी फैमिली बिजनेस है कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे, बट वो बेनिफिट बहुत सारे हैं उसके अंदर, राइट। एंड स्पेशली अगर आप वुमन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो उसके और भी बेनिफिट्स हैं, मतलब इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज ओनली, यू गेट द सबवेंशन, वापस आता है पैसा या 2 साल बाद 5 साल बाद जैसे 10 year होता है उसके हिसाब से। अभी ये ZED सबसे बड़ी बात है थी कि ZED सर्टिफिकेट जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जब मोदी जी आया तब डिक्लेयर किया था कि भाई मैं इंडिया में ऐसा माहौल पैदा करूंगा कि इंडिया शुड बी बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब,
वो बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए हम एज अ ज्वेलर जब देखते हैं तो वी टॉक अबाउट कार्टियर्स की बैंड्स देखो क्या फिनिश होती है क्वालिटी है ना, फिर यूएस जाते हैं तो देखते हैं कि क्या अपना कुछ माल ऐसा बनता है नहीं थी क्या फिनिश था इनका है ना, तो वो क्वालिटी के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट की खुद की रेटिंग होती है, द सर्टिफिकेशन कॉल्ड जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट दैट इज ZED. आई एम प्राउड टू से वी आर द ओनली ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया टू हैव द सिल्वर रेटिंग, और इसके लिए करीब 3 महीने का प्रोसेस है और करीब 3 लाख रुपए खर्चा है, बट 3 लाख का खर्चा करने के बाद में 60-90% पैसा वापस आता है। आप समझिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपकी क्वालिटी अचीव करने के लिए आपकी प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए सर्टिफाइड होता है, मतलब आप वो लेवल से काम कर रहे हो कि नहीं है। चलो ISO माना छोटी सी प्रोसेस है बट दिस वेरी वेरी बिग प्रोसेस जो गवर्नमेंट खुद जस्टिफाई करती है, उनके IAS आते हैं सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से, दे वेरीफाई प्रोसेसेस कि आप सही में जो बोल रहे हो कर रहे हो कि नहीं, मतलब उसमें लोगों का भी HR प्रैक्टिस भी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस भी देखते हैं, आपका परफॉर्मेंस देखते हैं, आपका बैंकिंग देखते हैं और आपका वे ऑफ वर्किंग देखते हैं, प्लेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ काम करते हो, व्हाट इज हाउ इज द वर्क प्लेस, आर यू फॉलोइंग द गवर्नमेंट रूल्स, आप PFSI भरते हो कि नहीं, आप पॉल्यूशन में रजिस्टर हो कि नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इन शॉर्ट में नीलेश भाई समझे 4P समझ रहे, पीपल प्रोसेस प्लानट एंड देन प्रॉफिट, पीपल इज अवर पीपल और मैन पावर, प्रोसेस इज मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग प्रोसेस एनीथिंग, प्लानट इज वी मस्ट टेक केयर ऑफ द प्लानट, क्योंकि हम अगर पॉल्यूशन फैलाते हैं तो हमारी ड्यूटी है कि अब नेक्स्ट जनरेशन को सुख देना है इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन तो और प्रॉफिट तो लास्ट में आता है, तो ये चार चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो और उनके नॉर्म्स है खुद के, मैं इसके फायदे बता रहा हूँ। जब कोई इंटरनेशनल बायर सर्च करते हैं इंडिया में कि भाई मुझे अच्छा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर चाहिए, तो गवर्नमेंट की पोर्टल पे ZED वाले का नाम सबसे पहला आएगा, व्हेन काउंसिलर भी होगी जो, तो दे विल रिकमेंड यू एज अ बायर, सपोज समबडी गोज टू कैनेडियन काउंसिलर बोले इंडिया में किसे मैं ज्वेलरी बनाऊँ, तो दे विल रिकमेंड माय नेम, हम तो ज्वेलर है बट बाकी सारी इंडस्ट्री में अगर मैं जाता हूँ, सी आई एम मोर कनेक्टेड टू, बिकॉज मैं सीखता कहाँ से हूँ, नॉट फ्रॉम ज्वेलरी इंडस्ट्री, आई लर्न फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आई लर्न फ्रॉम प्लास्टिक इंडस्ट्री, आई लर्न फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और वहाँ से जो सीख मिलती है वही सीख मिलती है कि बस आप मैन्युफैक्चरर और आपके आपका रॉ मटेरियल पता होना चाहिए, गोल्ड इज अवर रॉ मटेरियल एंड नॉट द इन्वेस्टमेंट, द डे वी अंडरस्टैंड कि गोल्ड हमारा रॉ मटेरियल है इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम समझेंगे हम क्या कर रहे हैं। तो ZED आज कहीं भी अगर को जाएगा तो मेरा नाम आएगा, बिकॉज मैं अकेला ही हूँ, वेल इट्स नॉट गुड, काफ़ी लोगों ने चाहिए थे, बट ये अवेयरनेस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर जो भी मैन्युफैक्चरर्स है यहाँ पे उनको जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का प्रैक्टिस करके उसको 1 या 2 साल में ले लेना चाहिए। लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम 90% सब्सिडी, अब लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम क्या है, आप अपने एरिया के मैन्युफैक्चरर्स का या रिटेलर्स का क्लस्टर बनाइए, आपको उसमें से कोई भी इंटरनेशनल कक्षा का या इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर कर सकते हो विच इज़ ऑन द गवर्नमेंट्स पैनल, वो कंसल्टेंट आपको 3 महीने की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देगा टू इम्प्रूव योर बिजनेस एंड प्रैक्टिसेस। ये प्रैक्टिसेस अपने वहाँ तो जो कंसल्टेंट है मैं देखता हूँ अपने इंडस्ट्री में ऊपर ऊपर 8-10 जन का नाम घूमते रहता है राइट, बट ये जो कंसल्टेंट है आई ओपनर होते हैं अपने लिए। जैसे मैं अब टोयोटा के प्लांट में गया था तो ISO 24 घंटे में एक इनोवा गाड़ी बनती है, तो सोचा यार ये कैसे हो सकता है। अब मेरे वहाँ हम लोग मार्केट में जनरल वर्ड इज रोटेशन ऑफ इन्वेंट्री यहाँ राइट, वी हैव इन्वेंट्री हमारी 7 दिन में घूम जाती है, वी प्रोड्यूस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ज्वेलरी, बट दैसा ये जो आते हैं ना आपको सिखाते हैं आपका आप में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो ये जो 7 जन होने चाहिए मिनिमम, दे शुड मेक अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स एंड एसोसिएशन ऑफ 7 मेंबर्स एंड दे शुड गो टू गवर्नमेंट एंड आस्क फॉर दिस क्लस्टर्स वेयर यू गेट दिस कंसल्टेशन, और उस 7 को मिल करके 21 लाख रुपया 30 लाख वाली चीज़ सिर्फ 3 लाख में मिलेगी, बाकी 90% गवर्नमेंट वापस देती है और आपको ट्रेनिंग देती है। ये क्यों MSME का फ़ायदा समझा रहा हूँ, देखिए पहले मैं सिर्फ लोन की बात की, अब मैं सिखाने की सीखने की बात कर रहा हूँ कि हमें इम्प्रूवमेंट की बहुत आवश्यकता है, अगर जनरेशन नेक्स्ट को समझना है तो दे मस्ट लर्न दिस हाउ टू इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस, क्योंकि उनको ब्रांड की आदत हो गई। आज के बच्चे को पूछो 20-25 साल 16 साल क्या लेना है तो वो कोई बड़ी बर्बरी की बात करेगी, अगर लड़की होगी तो कोई माइकल कोर्स बोलेगा यू नो, तो ये फीलिंग है हमारी, हमारे बच्चे वही मांग रहे हैं, तो मैं क्यों आपसे अलग तो नहीं हूँ मैं,
बट अगर हमको वो लेवल का माल बनाना है तो दिस अनिवार्य, दिस इज अ मस्ट डू ट्रेनिंग, राइट? यस सर, वी वर द फर्स्ट क्लस्टर इन इंडिया टू डू दैट. In jewelry, no. No. I appreciate Nilesh bhai here. I just go on that. He has supported Rajkot cluster to have that common facility CFT. Nilesh bhai is a pioneer, is in starting a common facility center in Rajkot. I'll explain that also. Common facility, why cluster ka hai kisa hai? Yeah, it is a wonderful thing. Apne pe area mein, apne region mein, सात या उससे ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स मिल करके, रिटेलर्स फॉर द मैटर, दे कैन हैव अ फैसिलिटी अप टू 15 करोड़ रुपीस, जहाँ पे आप कोई भी मशीन लगा लो आपके बिजनेस के लायक, चाहे सीएनसी हो, चाहे कास्टिंग हो, चाहे कुछ भी, और सब मिल के वो इलाके के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है वो मिल के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे चला सकते हैं. उसकी लिमिट है 15 करोड़, वापस देना नहीं है. 15 करोड़ में आप समझिए कितनी बड़ी फैक्ट्री लग सकती है मशीन्स आप, क्योंकि हमें 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 इंटरनेशनल ग्रोथ हब बनना है, हमको कोई डोमेस्टिक नहीं रहना है. वी वांट टू ग्रो, सपना ये है कि हम लोग चाइना को बीट करें एक्सपोर्ट्स में. उसके लिए टेक्नोलॉजी लगेगी, तो गवर्नमेंट बोले हम 15 करोड़ देंगे, आप एक ग्रुप बनाओ, तो आपके एरिया में 200 फैक्ट्री है तो उनको कॉस्ट टू कॉस्ट में जॉब वर्क करके दे दीजिए. कैट के मशीन लगा दो आप, सीएनसी लगा दो आप, ये कर दो. नीलेश भाई ने ये चीज़ को समझा था मेरे पास, और राजकोट में उन्होंने आप बताना इनको कि हाउ यू ऑपरेटेड दैट सीएफटी, दिस कॉल्ड कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जहाँ सारी चीज़ें अंदर ही होती है. तो ये सब एडवांटेज लेने गवर्नमेंट के, ये स्पाइस है जो स्कीम फॉर प्रमोशन इन्वेस्टमेंट सर्कुलर इकोनॉमी 25 सब्सिडी है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रिसाइकलिंग आप करते, अगर कोई रिसाइकलिंग इंडस्ट्री चलाते हैं, अपने लिए नहीं है, बट अगर कोई रिसाइकलिंग इंडस्ट्री चलाते हो स्पेशली ई वेस्ट वगैरह की, तो वी आर गेटिंग सब्सिडी फॉर दैट मशीन ऑल्सो, बिकॉज यू हैव टू इन्वेस्ट मनी टू रिसाइकल द थिंग्स, राइट? तो इट्स एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस. और गिफ्ट है विच इज ग्रीन इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, 2 करोड़ की लोन पे ग्रीन टेक्नोलॉजी, मतलब आप सोलर लगा लो अपनी फैक्ट्री के ऊपर लगाना है, तो आपको 2 या 5% पैसे वापस मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के, इंटरेस्ट का. और कहीं कहीं स्टेट के तो ऐसे भी रूल है, जैसे तमिलनाडु में दे गिव यू 30% सब्सिडी इफ यू पुट इन सोलार, मतलब 1 लाख लगाओ 30,000 गवर्नमेंट से ले लो, तो आपका सोलार प्लांट होगा 30,000 रुपये, 70,000 रुपये का. ये अच्छी चीज़ भी है और थोड़ी बुरी भी है, लेकिन अच्छा क्यों बता रहा हूँ कि अगर ये देखिए कोविड में काफ़ी ज्वेलर से काफ़ी इंडस्ट्री बीमार हो गई थी, काफ़ी लोगों के पैसे डूब गए थे, राइट? तो गवर्नमेंट समझती है कि हर एक बिजनेस में हर एक आदमी लॉस करता नहीं है, कुछ तकलीफें होती है, उनको भी सही रीज़न होता है टू नो लूज मनी, ऐसा तो नहीं कोई पैसा फेंक देगा. तो जहाँ सही केस होते हैं, द केसेस विच आर रियली गुड एंड दे हैव द प्रॉपर्टी गिवन टू बैंक्स एंड फंड्स लिए होते हैं, जहाँ पे बैंक मे कम एंड फोर्सेबल सेल करके पैसा ले लेती है, बट हियर एज एन MSME गवर्नमेंट विल इन्वॉल्व बिटवीन यू एंड द बैंक, आपसे आपका जो सारा प्रोजेक्ट रिवाइव करने की ऑफर करेंगी, इंस्टेड ऑफ सेलिंग टू समबडी. आर यू एबल टू रिवाइव योर प्रोजेक्ट, आर यू एबल टू मेक दिस प्रोजेक्ट वायबल, आर यू एबल टू अर्न दिस मनी एंड गिव टू बैंक. अगर ये सारी चीज फिट बैठती है तो यू नीड नॉट बी इंसॉल्वेंट. गवर्नमेंट विल टेल बैंक यू गिव 5 more years एंड ही विल पे यू टू स्टैंड विद अ पर्सन हु हैज सफर्ड अ लॉस. ये कितनी डिटेल की बात है गवर्नमेंट बोल रही है, हमको पता नहीं है. ये जरूरी होता है. अब लास्ट नॉट द लिस्ट, SME IPO सुना होगा. SME IPO इज यू कैन गेट एन IPO फ्रॉम 5 crore to 25 crore. मतलब आपको बैंक के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, पब्लिक के पास जा सकते हो. यू कैन आस्क फॉर अ शेयर, आप पब्लिक से शेयर आपके बिकवा सकते हो. यू कैन हैव दैट कैपिटल इन योर फंड्स एंड डू द गुड बिजनेस. वो फैसिलिटी खुली है. और SME IPO के केसेस ऐसे हैं कि मेरे पास जो 50 रुपये 10 रुपये का शेयर था, आज 8,000-8,000 रुपये का भाव चल रहा है उनका. SME IPO इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है कि यू कैन जनरेट कैपिटल ऑन योर, बिकॉज पहले काफी सेबी के रेस्ट्रिक्शंस थे. इफ यू वांट टू गेट एन IPO देयर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, और हम सुनते हैं IPO में कैसे जाएंगे,
वो तो बहुत बड़ा खर्चा होता है, नहीं हम 5 करोड़ का आईपीओ ला सकते हैं, फॉर दैट 5 करोड़ आईपीओ कॉस्ट इज ओनली अप टू दैट पर्टिकुलर रेशियो 5 करोड़ रुपीज। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग अपनी खुद फंडिंग हमारे गुडविल और हमारे बुक्स के बेस पे पब्लिक से खड़ी कर सकते हैं। सो वी आर अनसेबल टू पब्लिक, बट यस फंड इज अवेलेबल विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ द बैंक और एनीबॉडी। तो देखिए उसके लिए भी एमएसएमई को सपोर्ट गवर्नमेंट करती है कि भाई कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसको फॉलो अप करना है, कौन बैंक करे, यू नो ऑल दैट डिटेल्स आर अवेलेबल इन द फोरम। गूगल करेंगे तो एक एक चीज़ आप पूछेंगे कि क्या जॉब है। आज मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके पास रख दिए हैं, तो दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट क्या क्या फैसिलिटी एमएसएमई को मिल सकती है। टैक्स बेनिफिट एमएसएमई को नहीं, आप और मैं सब सम सेम है। आपको गवर्नमेंट देती है उन्नति के लिए पैसे, आपको सपोर्ट करती है, इस हैंड होल्डिंग एमएसएमई को जो गवर्नमेंट करती है, इट्स हैंड होल्डिंग टू एंश्योर दैट एवरीबडी ग्रोज, नोबडी शुड स्टैंड बिहाइंड, मौके सबके लिए समान होने चाहिए। हाँ, हैंड होल्डिंग है और ये सही में हो रहा है, क्योंकि आप जैसे ऊपर जैसे IMSMF इंडिया ऊपर पढ़ सकते हैं, कैन यू रीड दैट? तो ये हमारी संस्था है IMSMF इंडिया, और हमारे बॉम्बे में तो नहीं है, बॉम्बे हम लोग शुरू करने जाएंगे, 25,000 एक्टिव मेंबर्स हैं हमारे, और उनसे एकमात्र ज्वेलर मैं हूँ और बाकी सारे और इंडस्ट्रीज से हैं। तो ये जो ऐसी इंडिया में काफ़ी संस्था है, करीब 5-6 तो बड़ी बड़ी है, जब अपने प्रहलाद कक्कड़ जो है ना एड गुरु, उनकी भी एक संस्था चलती है बॉम्बे में। तो दिस टाइप ऑफ नो ये सारी संस्थाएं सपोर्ट करती है क्यूमुलेटिव ग्रुप एफर्ट्स में। तो मैंने सारा जो बताया ना, तो व्हेन यू जॉइन दिस काइंड ऑफ एसोसिएशंस, और मे बी अवर एसोसिएशन कैन डू इट, नो नीड टू मेक एन एसोसिएशन, वी कैन अवर एसोसिएशन कैन गो थ्रू देन, हैव अ फोरम ऑफ एमएसएमई एंड फॉलो अप स्टाफ फॉर एमएसएमई ऑफ अवर इंडस्ट्री, दैट विल मेक द प्रोसेस इजियर फॉर अवर पीपल टू यू नो टेक द बेनिफिट्स फ्रॉम एमएसएमई। मतलब एक ऑप्शन ये है कि हम उनसे जुड़े, एक हमारी खुद की संस्था खड़ी करें, दोनों ऑप्शन है। वी कैन बी गाइडिंग फोर्स टू द GJC लाइक टू क्रिएट, और वी कैन जॉइन इन एसोसिएशन। ये कि जब क्यूमुलेटिव बार्गेन करते हैं आप एक साथ में करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है भाई मेरे पास, और हमारे पास ऐसे ऐसे चीज़ें हैं कि हरियाणा दिल्ली पंजाब में हमारा एसोसिएशन जो है वो बैंक को बताता है कि ये मेंबर मेरा ठीक ठाक है, उसका फंडिंग करो, तो बैंक उसके बेस पे फंडिंग करती है, बैंक उसके पेपर हमारे वेरिफिकेशन के ऊपर उसको फंड करता है, तो उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती बैंक में। दूसरा, कलेक्शन की बात करें तो भी कलेक्शन सेल हमारी खुद की है, लॉयर्स हैं, किसका पैसा अड़का है तो हमारे लॉयर लड़ते हैं उनके साथ में, पार्टी घर में बैठ के खाओ पियो, बट यस वी हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड काफ़ी सारा काम हम करते हैं। तो ये डिलेड प्रोसेस का जो मैंने फिर से बताया 43B में क्या है कि हमने सोच के रखा है कि भाई क्यों कल को किसका हमारा पैसा नहीं दे तो IT में मेरा कट जाएगा, जुड़ जाएगा, बहुत सारे नेगेटिव सोचे हमने उसके बारे में। किसी ने स्पेशली ज्वेलरी मार्केट में, जिसे में वेलकम इन अदर इंडस्ट्री, कि चलो भाई हमारा तो पैसा आया, भाई लोहे का जो एनीबॉडी मेकिंग मोटरसाइकिल का साइलेंसर, उसके लिए लोहे की कीमत क्या है, 50-60-80 रुपये किलो है ना, तो लेकिन उसके लिए पैसा बहुत मायने रखता है, क्योंकि रोज कैश पेमेंट माल उठाना पड़ता है। तो ये पैसा पेमेंट आना जरूरी कोई भी बिजनेस के लिए होता है, तो गवर्नमेंट ठीक से लिखा है, ठीक से कानून बनाए, अनलेस यू फील इट्स बैड, क्योंकि हमको हमारे कंफर्ट जोन के बाहर जाकर कुछ भी काम करना पड़ता है ना, तो हम लोग झिझकते, नहीं नहीं मज़ा नहीं आएगा भाई इसको चेंज करो, बट रियली प्रैक्टिस इट, दो भी टाइम पे लो भी टाइम पे मज़ा आएगा, राइट? सो नीलेश भाई थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई ट्राई टू ओपन द डोर फॉर MSME, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। It is active, yes. Auditors will tell you in the month of September will you file the returns. Better pay. See, you can, सबसे पहले जो दे नहीं रहा उसको आप, मैंने दिया नहीं पेमेंट तो मुझे सबसे पहले डिसीजन है कि मेरा वो खर्चा जस्टिफाई नहीं, ऑडिटर विल रिजेक्ट द एक्सपेंस, सो इट बी काउंटेड इज इनकम। इनवैलिड मतलब पूरा 50,000 ही गिना जाएगा आपको, ऑडिटर विल रिफ्यूज, मतलब आपको ऑडिटर उसको रिजेक्शन करेगा, आप कैसे डिसअलाउ करेगा, तो दिल गो आपके इनकम में, आपको 30% टैक्स लग जाएगा।
जो पेमेंट नहीं करेगा उसको, जो अगर मैंने किसी आपको देना है, इफ आई डोंट पे यू ऑन टाइम, मेरे लिए वो डिसअलाउ हो जाएगा एक्सपेंस. सो व्हेन द एक्सपेंस इज डिसअलाउ, टेक्निकली इट्स योर इनकम एंड इनकम यू हैव टू पे 30% टैक्स. एक्सपेंस इज डिसअलाउ, खर्चा नहीं मिलेगा. और आपको सब टेबल पता चलेगा आपने क्या गड़बड़ की है. उसे तो एक टेबल बना लो. और आई वुड नहीं, देखिए माइंड सेट अलग अलग. मैं किसी को ऐसा आई कैन नॉट टेल एनीबडी कि आप, मैं समझता हूँ देना चाहिए और लेना भी चाहिए. ये टाइम फ्रेम अगर लग जाएगा तो हमारे पास हमारा पैसा ठीक से घुमाने का समय मिलेगा. विल आई बी पेइंग लेसर इंटरेस्ट टू बैंक्स, विल बी यूजिंग अवर मनी इन प्रॉपर वे, प्रॉपर चैनल, और हमको वी नो हाउ टू यू नो इन्वेस्ट अवर फंड्स वेयर, बिकॉज यू आर श्योर कि आपका पैसा आने वाला. अब तो हम तो अनसर्टेनिटी होती है तब हम भी वही करते हैं ना, कल आ जाओ. तो वो क्यों करना, कहीं ना कहीं इम्प्रूव होना है. तो आई वुड एडवाइज के ये मतलब मेरी सोच है सही है. जैसे GST में अब कानून है कि भाई कोई भी बिल पेंडिंग है 6 महीने तक आपने पेमेंट किया नहीं तो आपका वो GST जाएगा, राइट. तो बस ऐसे ही समझ लो इसको भी, आपका IT जाएगा, आपको भरना पड़ेगा. बट आज इंडिया में अगर 30-40% भी लोगों ने एडॉप्ट कर लिया इसी को समझ करके, इंस्टेड ऑफ अपोजिंग द लॉ, लिटरली इकोनॉमी अपलिफ्ट होती है इससे. चाहे 5,000 का पेमेंट हो, चाहे 50,000 का, चाहे 5 करोड़ का पेमेंट हो, पैसा पैसा ही होता है. हर एक का कितना भी डालो अपने बिजनेस में कम पड़ता है क्या? हाँ, क्योंकि माल इतना दुकान में चाहिए कि भाई ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो. ग्राहक तो आएगा तब आएगा, वो कारीगर को देना है ना. तो वील कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, हम हमारी सोच को भी उसी दायरे में रखेंगे और हम आसान से धंधा कर पाएंगे. मुझे अभी बाहर बात हो रही थी कि भाई 3 ब्रांड्स की, आई विल नॉट नेम द ब्रांड्स, तो एक ब्रांड बता रही है कि यार दिस इज़ वेरी बैड, ऐसा तो हमको चलेगा ही नहीं. और बाकी दोबारा में हमको मजा आया. दे 3 आर द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ इंडिया. तो जो एक बोल रही है उसकी बात नहीं करेंगे, जो बोल रही मजा आया तो अच्छी बात है ना. बिकॉज दे आर सर्टेन दैट दे कैन पे ऑन टाइम एंड दे कैन गेट वेरी गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑन टाइम एंड दे कैन गेट वेरी गुड डिजाइन ऑन टाइम, सो दैट देयर कस्टमर्स आर हैप्पी एंड द कस्टमर्स आर हैप्पी, वी ऑल आर हैप्पी. तो एक चेन बनी हुई सारी. तो वी हैव टू यू नो रियली मेंटेन दैट चेन एंड गो अहेड इन लाइफ विद दैट. एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी? बताए एनी मोर क्वेश्चन, आई मीन और कोई सवाल जो कहीं कुछ क्लैरिटी चाहिए कोई चीज़ के बारे में? दिस ओनली डोर ओपनिंग फॉर MSMEs. इसमें एक एक टॉपिक पे आप दो दो सेमिनार लगेंगे. आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन टू यू कि कुछ बिजनेसेस में तो ये पॉसिबल हो जाता है कि 45 डेज में पेमेंट का जो राउंड है वो हो जाता है. कुछ बिजनेसेस ऐसे भी है, जैसे मैंने कपड़े का बिजनेस देखा है जहाँ पे जो होलसेलर्स होते हैं जिनके पास माल ही पहुंचता है 10-15-20 दिन में, फिर वो खोलने में करीबन उसको 15-20 दिन लगता है, QC करने में और 8-10 दिन लग जाते हैं, और फिर वो परचेज रिटर्न वापस जाता है उसमें और 8-10 दिन ट्रांसपोर्टेशन में लग जाते हैं. तो सम बिजनेस जो है वो उनसे मैंने सुना है कि दिस 45 डेज इज लेस कंपेरेटिवली. आपकी बात मैं समझता हूँ जरूर से. देखिए गवर्नमेंट इज ओपन फॉर डिस्कशन, तो अपने अपने एसोसिएशन को जाकर के बात करनी भी मेरे प्रैक्टिकल हर्डल्स है. देखिए हम मैं सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचा हूँ, राइट. मैं समझ सकता हूँ आपकी आपकी नहीं. देखिए काफ़ी इंडस्ट्रीज में इश्यूज है, प्लास्टिक में भी है, ग्रेन्यूल्स क्रेडिट पे मिलते हैं, आने को टाइम लगता है, ट्रांसपोर्ट बस, दे आर मेनी इश्यूज, आई अंडरस्टैंड दैट द बिलिंग डेट. बट गवर्नमेंट इज जैसे GST में कैसे रिफॉर्म्स लाए, एवरी क्वार्टरली मीटिंग, एवरी मंथली मीटिंग करके उन्होंने धीरे धीरे सिस्टम ठीक किया. गवर्नमेंट इज विलिंग टू लिसन टू अस, कोई ना नहीं बोल रहा है. योर एसोसिएशन शुड गो प्रॉपरली इन राइट वे एंड राइट मैनर, नहीं कि किसी का पैसा यूज करना है हमको, ये सर तकलीफ है दवाई दो. गवर्नमेंट इज विलिंग टू लिसन डेफिनेटली, और वो सॉल्यूशन पे भी आएंगे. वी आर इन टॉक टू विद गवर्नमेंट कि हमने तो गोल्ड की बात की, आपका कपड़ा का मैंने बोला, आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर इंडस्ट्री. तो मैं और इंडस्ट्रीज के लोगों को जानता हूँ, आई एम वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन. उन्होंने भी ऐसे रेस क्वेश्चंस किए हैं, बट आधे लोगों ने तकलीफ डिक्लेयर की, आधे लोगों ने बोला इम्प्रूव करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा. तो ये है सिस्टम. तो वी विल गो देयर एंड विल टॉक टू गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री. एक बात है, गवर्नमेंट सुनने को रेडी, इसमें थोड़े थोड़े करके रिविजन आते रहेंगे. जैसे दे विल मे दे मे आई एम नॉट श्योर, बातें हो रही है कि दे मे डिफाइन इंडस्ट्री, मे बी नेक्स्ट ईयर 6 महीने बाद मे बी दे इसको और बोले कि चलो 6 महीने रुक जाओ, जुलाई में अनाउंस कर सकते और होल्ड फॉर 6 मंथ. बट दिस इज एज डिप्लीमेंटेड सो फार, वी कैन जस्ट पुट अ पॉज ऑन इट और इंडस्ट्री वाइज यू कैन डिस्कस.
जी गवर्नमेंट, हाँ हिंदी में बताइए प्लीज। प्रोत्साहन दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। देखिए ज्वेलरी में मतलब मैं ज्वेलर ओके राइट एब्सोल्युटली राइट, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। मैं भी ज्वेलर हूँ बाय विदाउट एनी ऑफेंस, बुरा लगे तो माफी, बट गोल्ड है ना इंडिया में कंजर्वेटिव चीज़ है, मतलब घर में छुपा के रखो, गोल्ड अपना है ना, तो गोल्ड से शुरू होता है अपना माइंड सेट। तो ज्वेलर्स आर कंजर्वेटिव, मैं आगे बढ़ूँ, सब क्यों आगे बढ़े? अब गवर्नमेंट बोलती है सब आगे बढ़ो, अब समझे इंडिया में कॉर्पोरेट मार्केट कितना परसेंट है आज की डेट में? जब मैं आया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैंने सोचा मुझे ज्वेलरी में ये मार्केट में बैग लेके घूमना ही नहीं है, मैं पेटी लेके बहुत घूमा, बोला चोर से डरना पुलिस से डरना तो मैं ये काम क्यों करूँ? तो आई थॉट ऑफ कॉर्पोरेट राइट, तो गो ग्लोबल जब मैंने सोचा तो आज यू नो वॉट वी डू राइट एग्जैक्टली। तो ये माइंड सेट मैन्युफैक्चर का होना, हम सब आगे बढ़े, जब तक ये माइंड सेट नहीं आएगा ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और GJS, GJC, GJEPC सबको मिलके करना है, मतलब उनको इकट्ठा करना है। अगर चलो हमने 2-5 ग्रुप बना भी लिए, कलकत्ता में बना है अंकुराटी में क्लस्टर राइट, तो दोस पीपल वर एसोसिएटेड इकट्ठा हुए, हमको कुछ करना है। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग हमारा माइंड है, हम तो लोकल बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट वाले एक्सपोर्ट करते हैं, होलसेल वाले मैन्युफैक्चरर माल लेकर के एक्सपोर्ट करते हैं, देर एक्सपोर्टर्स देर वेरी, बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स इंडिया में है, कितने मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट करते हैं आप राइट? तो ये इस सिस्टम बना हुआ है, उसको थोड़ा डिफाई करके, उसको हरा करके हमको आगे निकलना है, क्योंकि एक दिमाग में लाना पड़ेगा कि हम 7 ज्वेलर एक हो करके ऐसा माल बनाए, हम टर्की से अच्छा माल बनाएंगे, हम 7 ज्वेलर इतना सुंदर माल बनाए मलेशिया से अच्छा माल बना लेंगे, हम 70 यहाँ दहीसर में समझो 300 फैक्ट्री है, 300 फैक्ट्री हमने मशीन लगा के दिए 15-20 करोड़ रुपए की, तो हम उतना सुंदर माल बनाए कि भाई लोकल तो छोड़ो, दहीसर की बेंगल का जो दूर कम वेस्टेज का मामला है वो बढ़ के हम 20 वेस्टेज का माल बना सके, ये माइंडसेट है। तो नीलेश भाई आई रिक्वेस्ट यू कि आप माइंडसेट चेंज कराइए। नहीं नीलेश भाई ने बहुत काम किया, आई अप्रिशिएट नीलेश भाई फॉर दैट, बहुत ही काम किया इसके ऊपर, ये ज़रूरी और अपनी मार्केट में ये हो सकता है। वो लोग त्रिचूर में ट्राई कर रहे हैं क्लस्टर बनाने की, बॉम्बे में सीप्स में बना, वो जैम बोल के पार्क बना अंदर फॉर एक्सपोर्ट्स ओनली, इट इज अच्छा, उसको तो गवर्नमेंट ने 50 करोड़ की सब्सिडी दी है, 50 करोड़ जो सीप्स के अंदर बनाए अभी, और अपने पीयूष गोयल जी ने उसका इनोग्रेशन किया था 3 महीने पहले। यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं, अमरेली में डायमंड का क्लस्टर बना था। अरे यार सच बोलने में क्या बुरा है यार, मुझे देखो मैंने पहले माफ़ी मांग ली फिर सच बोला हूँ ना राजेंद्र जी, मैं राइट, अब आप मेरी फोटो आप छाप लेना, बोले सच बोलता है बट द फैक्ट इज द नहीं, हमें इम्प्रूव होना, अगर हमें ग्लोबल होना है तो बहुत, ये आज की डेट में सबसे ज़रूरी यही है कि हम इकट्ठा होकर के क्यों टिफनी और कार्टिस को बीट नहीं कर सकते है? ये देखो ग्लोबल प्रेजेंस कहाँ आएगी हम, बिकॉज हमारे पास देखिए, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको नीलेश भाई, व्हाट इज एवरेज पीस वेट, हम जो बेचते हैं इंडिया के माल बनते हैं उसका एवरेज पीस वेट क्या है, मतलब एवरेज जो सेट नेकलेस बुट्टी अंगूठी झुमका सब एवरेज लाखों करोड़ों पीस बनते हो, एवरेज वेट क्या है इंडिया का पता है? हम एक्सपोर्ट करते 15-20 ग्राम्स ठीक है, चाइना का एवरेज पीस वेट क्या है? 18 कैरेट, वो भी अपना 22 कैरेट उनका 18 कैरेट, व्हाट इज एवरेज पीस वेट ऑफ चाइना? 4 ग्राम्स, 3 से 4 ग्राम, 4 ग्राम तो हाईएस्ट हो गया उनका, मतलब वो 4 ग्राम। सर एवरेज पीस वेट का मैं क्यों बता रहा हूँ, समझो हमने 1 करोड़ पीस बनाए, वो 5 करोड़ 10 करोड़ पीस बना रहे, 15 करोड़ मिनटू 3 टाइम्स हो गया, तो सी द पोटेंशियल देव डेवलप। कोई मैं तो चाइना गया नहीं, आई एम जस्ट फॉलोअर ऑन गूगल,
बट जो सुना है जो जो जाते हैं, अरे यार पूरी बिल्डिंग भरी थी क्या, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? वो देयर इज ओनली क्लस्टर, द होल बिल्डिंग इज अ क्लस्टर. आप इस्तांबुल गए हो तो देखा, अभी हम न्यू बॉम्बे जाएंगे, वो बिल्डिंग बनेगी, फिर कोई बैठेगा, फिर कोई रेंट पे देगा, वो 20 साल की बात है. ये ऐसे होना चाहिए. तो ऐसे कब होगा जब एक को इकट्ठा होंगे तो एक जनरेशन पूरी निकल जाएगी, तो मतलब नहीं बनेगा. तो आई विश के काउंसिल जो भी सारी अपनी इंडस्ट्री की, अपने लोकल लेवल पे आपके सराफे है, अपने लोकल लेवल के एसोसिएशन, उनको इसमें पार्टिसिपेट करके उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा. चाहे आप सेमिनार करो, चाहे उनको यहाँ बुलाओ, चाहे वहाँ जाए, तो शायद 2-4 साल में वी कैन क्रिएट एटलीस्ट 3-4 क्लस्टर्स. हाँ तो सर, बट आगे वाले सेमिनार के आधे यहाँ नहीं है, आगे वाले सेमिनार के आधे यूथ यहाँ नहीं है. आई एम सॉरी टू से सो, बट ये वन थिंग आई मस्ट अप्रिशिएट नीलेश भाई हियर, आप सबके लिए. वो आई मीन दिस इज द फर्स्ट सेमिनार आई एम अटेंडिंग फॉर MSME, वेर आई गॉट डिफरेंट क्राउड कम्पेयर टू प्रीवियस सेमिनार्स इन बॉम्बे. आई हैव मेड अटेम्प्टेड अराउंड 6 or 7 सेमिनार्स. आई वॉज सोइंग सेम फेसिस इन सेमिनार्स, वही लोग आते थे, वही लोग पूछते थे, और अगर आज वो लोग आते हैं उनको पूछने वाले थे, आपने क्या किया 7 सेमिनार के बाद? ये वाला का मुझे पता नहीं, ये पेड है, दैट इज गुड ना, थैंक यू सो मच. तो अच्छा नहीं, मतलब अगर नहीं वो अगर आते तो आई वुड हैव डेफिनेटली पूछता था उनको, भाई आपने क्या किया 7 सेमिनार के बाद में? व्हाट इट इज योर ओन एफर्ट, अपने खुद के एफर्ट है, कोई कोई सिखाने नहीं आता है, देखिए सीखना पड़ता है. नो आई एम सो ग्लैड, मैं बोला मैं खुश हूँ, बिकॉज मैं सही में माइंड सेट से आया था कि वो फेस में मैं क्या करूँगा. ऑनेस्टली आई मीन लेट मी बी फ्रैंक टू माई सेल्फ, मतलब नहीं है तो आई एम हैप्पी कि यार चलो और कोई नए, एटलीस्ट इंतजार उनके दिमाग में कुछ तो है कि विल अटेंड एंड कुछ समझते हैं क्या हो रहा है. तो आई एम मोर ग्लैड दैट दिस इज अ सीडिंग है, शुरुआत बीज बोया है हम लोगों ना, तो पेड़ बन जाएगा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर. सो एनी मोर? नो नो, थैंक यू सो मच, सही बता रहे हैं आप. नहीं आप कह रहे के बात करेंगे आपसे पक्का. एनी मोर क्वेश्चंस? या प्लीज. या who will come together and work for the same objective. वो भी tough है कि same objective की हाँ वो vision दिखाना साथ में करते हैं, because essentially we are competing with each other for the same market. First thing and second thing is I'm not able to think कि how would the land or subsidy तो they are giving for the machinery and the land कहाँ से आएगा, how the infrastructure can be rented. It can be rented. मैं सबसे पहले बताओ, have you completed the question? Yeah. See the first thing is आप 7 दोस्त हैं, लेट अस अज्यूम कि आपको CNC का माल ही बनाना है, लेट अस अज्यूम. अब 7 जन CNC का माल बनाएगा, ठीक है, डिजाइनिंग पे इंडिविजुअल कंट्रोल है, तो यू कैन डू द सेम मशीन, हैव 7 डिजाइंस, एक आपका हो गया, इनका हो गया, उनका हो गया, तो अपना वाली ये बेचो, इनकी डिजाइन ये बेचे, इनकी डिजाइन ये बेचे, ठीक है. डिजाइनिंग पे कंट्रोल किसका भी नहीं, खुद का है. मशीन कॉमन है, मशीन 24 घंटे के लिए चल सकती है, जिससे आपको प्रोडक्शन ले सकते हो. तो ये जो सब छोटे छोटे कैड का जॉब है, कास्ट का जॉब है, CNC का जॉब है, लेजर वेल्डिंग है, लेजर कटिंग है, लेजर मार्किंग है, सारी बहुत सारी मशीन है. तो ऑल दॉट दोस जॉब्स कैन बी सोर्स फ्रॉम दोस मशीन्स एट अ नो प्रॉफिट, नो लॉस कॉस्ट, एंड यू कैन क्रिएट द डिजाइन इन ओन फैक्ट्री, वेर इज देयर अ NDA साइन फॉर द डिजाइन विद ईच एंड एवरी बायर फ्रॉम दैट एरिया, सो डिजाइन विल नॉट बी एक्सचेंज. कोर कॉम्पिटेंसीज को अलग कर सकते. सो फाइनली आपके एरिया से 7 जन इंडिया को माल सप्लाई करेंगे, फॉरेन माल एक्सपोर्ट, जो भी आप कर सकते हो. डिजाइन अपने खुद के, तो वहाँ पे अपना कंट्रोल है, क्रिएटिविटी अपनी खुद कंट्रोल में, वहाँ अपना खुद का कंट्रोल है. तो दैट इज योर ओन बेबी, क्लस्टर सपोर्ट टू द क्रिएटिविटी. सो यू कैन पार्टनर और यू कैन बेटर नॉट इन्वेस्ट मनी इन पार्टनरिंग, हैव अ क्लस्टर एंड गो अहेड. Okay, and one more thing. So MSME mein these kind of subsidies were there. What I was aware of ki there is one section 115 BAB
I got my firm registered through that, and there was some income tax concession of 15% flat with the after cess it comes around 16.5 flat. So it doesn't come under MSME. That's what my question is. No, there are no actually there are no tax rebates in MSMEs, but in some rural areas, in particular areas of India, there are tax rebates concessions going on. Like you have plant in Assam. मिजोरम फॉर एग्जाम्पल नॉट मिजोरम एग्जाम्पल कोई नॉर्थ ईस्ट में कहीं लगाओ गुजरात में कोई जगह है महाराष्ट्र में कोई रिमोट हर एक जगह के अपने रिमोट एरिया इफ यू पुट अ प्लांट ओवर देयर तो वी गेट दिस काइंड ऑफ टैक्स रिबेट्स चाहे पूरे इंडिया में पर एज अ ज्वेलर वी डोंट टेक द रिस्क ऑफ पुटिंग अ प्लांट्स देयर बींग अ गोल्ड बींग अ एक्सपेंसिव कमोडिटी सो फिर भी यस हमने कुछ सोचा है हमने किया भी ऐसे प्लांट बट विद अ वेरी गुड सिक्योरिटी एंड वेरी गुड लॉजिस्टिक यूज Okay, yeah. sir. One last question. Yeah. Here तो we got the overview, and I know कि आगे जब भी इसको करेंगे तो कुछ ना कुछ questions और दिक्कत आएंगे. Obviously, we have CAs and वो sort out करने के लिए. Is there any single window for our queries? As of now, SIDBI is a single window. As of now, SIDBI small is अंदर MIDC में है. Banks people also a window, but they are not guiding you properly. SIDBI will guide you absolutely properly. कोई दिक्कत नहीं पक्का बैठ के समझाएंगे आपको, right? Thank you, sir. Thank you. That's available. नहीं फिर भी मैं तो काउंसिल को अभी भी गुजारिश करूंगा कि आप करें कुछ देखिए एक छोटी सी एक आपका डिपार्टमेंट चालू करे एक तो शुरू तो करो और एक एक दो जन को अपॉइंट करेंगे वहां बैठ के गाइड करते रहेंगे समथिंग कुछ कर सकते हैं ऐसा ऐसा सजेशन क्लस्टर के लिए भी सिडबी में वी कुड गेट क्वेरीज एंड ऑल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर यूपी राइट आई थिंक यूपी आजकल दे रहा है हाँ काफ़ी सारे बेनिफिट्स योगी जी ने एमएसएमएस को ये बहुत कुछ दरवाजे महाराष्ट्र से ज़्यादा अच्छे खोल के रखे वो आप आई डोंट नो स्टेट वाइज रूल्स बट यस यूपी इज डूइंग गुड हरियाणा इज डूइंग एक्सेलेंट फॉर टू सपोर्ट एमएसएमएस तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो आप मेरठ में आ जाओ यूपी में ही है मेरठ बिगेस्ट हब ऑफ ज्वेलरी यूपी हो गया और मेरठ में बनाना मतलब बोला क्या बात है हाँ मेरठ ना या सेम थिंग गोल्ड सुख बना रहे हैं वहाँ तो राजेंद्र जी आपको ये सब छापना है कि भाई मेरठ वाले ये कर रहे हैं त्रिशूर वाले ये कर रहे हैं यहाँ वाले ये कर रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा जगह बनाओ मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो क्योंकि एक 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 दो पेज दो मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ बिकॉज वी आर द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री थैंक यू सो मच आई होप आई एम डन विद द थिंग आज के लिए बस समय से ज़्यादा मैंने बात की आप लोगों से तो उसके लिए इनका शुक्रिया नीलेश भाई का और कमेटी का थैंक यू सो मच